भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। सही मायने में मुसलमानों का अगर कोई भला कर सकती है तो वह भाजपा पार्टी है। उक्त बातें हरियाणा वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त प्रशासक एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने वरिष्ठ समाजसेवी राकेश जैन के कार्यालय पर सम्मान समारोह के दौरान कही। जाकिर हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सभी वर्गों का सम्मान विकास करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेवात इलाके में मुंबई एक्सप्रेस वे मेवात की धरती से निकलकर भाजपा मेवात जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा कोई भी विधायक ना होते हुए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मेवात में करोड़ों रुपए के विकास की सौगात दी जा रही है और करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, जिसे भाजपा की नीति साफ स्पष्ट नजर आती है। भाजपा केवल विकास को बल देना चाहती है, जबकि अन्य पार्टियाँ स्वार्थ की राजनीति करती हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता 1964 में फिरोजपुर झिरका से विधायक बने और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर रहते हुए तिनका तिनका कर वक्फ बोर्ड के लिए प्रॉपर्टी को अर्जित किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी राकेश जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनीष जैन, मंडल अध्यक्ष रमेश आर्य, नगर पार्षद मुरारी लाल जैन, सुल्तान जैन, नूर शाह, पूर्व पार्षद मनोज जैन, धर्मेंद्र जैन, शैलू जैन, गोल्डी शर्मा, तिलक सोनी, हेमंत मनु आर्य, सेवा सोनी सहित भाजपा के युवा कार्यकर्ता व अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम बड़ी खबरें। देखिए, फिरोजपुर झिरका में आज जो स्वागत हुआ है उससे मुझे वक्फ बोर्ड में और काम करने का बल मिला है, क्योंकि फिरोजपुर झिरका की धरती ऐसी है कि यहीं से मेरे दादाजी मरहूम चौधरी यासीन खान साहब एमएलए रहे, और एमएलए ही नहीं रहे, वो निर्विरोध एमएलए चुने गए 1952 में अनपोज एमएलए पंजाब असेंबली में, और 1962 में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब 25 साल की उम्र में यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, जो एक रिकॉर्ड है, और 1964 में जब वो चेयरमैन बने हरियाणा वक्फ बोर्ड के, तो फिरोजपुर झिरका से एमएलए थे। तो 13.5 साल उन्होंने इन प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड की इकट्ठा किया था। उन्होंने तिनका तिनका करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब एक था, यहाँ इसको इकट्ठा किया, और बाद में विभिन्न हालातों से कुछ बोर्ड में दिक्कतें आईं। तो मेरा वक्फ बोर्ड के साथ भावनात्मक लगाव है, और आज जो कर्म भूमि रही है मेरे दादाजी की और मेरे पिताजी की, वहाँ आकर जब आज लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है, उससे मुझे और बल मिला है कि मैं इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड को हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हम इसको अच्छी तरह इसको चला पाएंगे, और सरकार का हमें पूरा सहयोग है कि जो प्रॉपर्टियाँ कहीं लिटिगेशन में, केसेस में, या कहीं इधर उधर जो फंसी हुई हैं, उनको हम लोगों के साथ बात करके या न्यायालय में उनकी पैरवी करके हम, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे।